Hey guys, welcome back to my new video. स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में. और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो मतलब काफी ज्यादा मजेदार रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि शिमला में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है. संजौली कॉलेज और कोटशिरा कॉलेज को आज हम अच्छे से मतलब कंपेयर करने वाले हैं. और आपके लिए मतलब आपकी नीड के हिसाब से और आपकी जो आप जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहते हो उसके हिसाब से दोनों में से आपका कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मतलब आप कॉलेजेस से करने वाले होंगे बीए या फिर बीएससी या फिर बीसीए, जो भी आप मतलब सब्जेक्ट में करने चाहते हो, जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट रहा है या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन करने का मूड है. तो ग्रेजुएशन हमारी टोटल रहती है 3 ईयर्स की. पीछे जैसे गवर्नमेंट ने अभी निकाला था कि 4 ईयर की ग्रेजुएशन कर देंगे, लेकिन स्टिल अभी भी ग्रेजुएशन 3 ईयर की होगी. तो आपके पास 2 कॉलेजेस का आपको ऑप्शन मिलता है शिमला में. टोटल वैसे 4 कॉलेजेस है अगर मैं बात करूँ, सेंट बीट्स, आरकेएमवी, कोटशेरा आपका और संजौली कॉलेज. लेकिन हम बॉयज के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 2 कॉलेजेस है हमारे पास, संजौली और कोटशेरा. इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ संजौली कॉलेज की, तो संजौली कॉलेज की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू कोटशेरा. जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको मतलब हॉस्टल मिल जाएगा. सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, शिमला में नहीं रहते और आप सोच रहे हो कि मैंने शिमला में ग्रेजुएशन करनी थी, तो आपके पास संजौली कॉलेज है जहाँ पर आपको ईजिली हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है और हॉस्टल मिल जाता है. वहीं अगर बात कर ले हम कोटशेरा कॉलेज की, तो वहाँ पर कोई भी मतलब हॉस्टल अवेलेबल नहीं है. वहाँ पर आपको रूम लेके रहना पड़ेगा और संजौली में आप हॉस्टल में रह सकते हो. संजौली के भी हॉस्टल्स की एक प्रॉब्लम है कि ये वहाँ पर जो हॉस्टल्स रहता है वो रहते हैं सिर्फ बॉयज़ के लिए. गर्ल्स हॉस्टल अभी तक नहीं है संजौली कॉलेज में भी. तो अगर बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको ईजिली हॉस्टल मिल जाएगा. सेकेंड हम बात करें कि एजुकेशन कहाँ किस तरह की है दोनों कॉलेज में और क्या हिसाब किताब रहता है. तो बीएससी की अगर मैं बात करूँ, मैंने खुद संजौली कॉलेज से बीएससी कर रखी है, मैं वहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ. तो बीएससी की अगर मैं बात करूँ तो संजौली कॉलेज में पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है. लेकिन कोटशेरा की अगर मैं बात करूँ तो जो बीएससी की पढ़ाई वहाँ पर भी ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग वहाँ की है, जो क्लासेस वहाँ पर है, वो मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी है. मतलब बिल्डिंग जो न्यू बनी है बिल्कुल कोटशेरा में बीएससी की, तो वहाँ पर मतलब आपको एक अच्छा एटमोसफेयर मिल जाता है, अच्छे मतलब सब कुछ मिल जाता है. और संजौली कॉलेज में वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बिल्डिंग पुरानी है एज कम्पेयर टू कोटशेरा. मतलब कोटशेरा की ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती है बीएससी की बिल्डिंग जहाँ पर बीएससी करवाई जाती है. सेकंड चीज़ अगर बात करें हम, तो जो संजौली कॉलेज, यहाँ थोड़ी मार्क्स की दिक्कत रहती है आपके आफ्टर 12th. मतलब 80% तो आपको मिनिमम आप मान के चलो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो कि इतने आपको स्कोर करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको कहीं संजौली कॉलेज में एडमिशन मिलेगी. वहीं अगर हम बात करें कोटशेरा की, तो कोटशेरा में आपको 40% पे भी एडमिशन मिल जाएगी, 50% पे भी मिल जाएगी, 60% कोई भी आपकी परसेंटेज हो वहाँ मैटर ही नहीं करती बीएससी के केस में. वहीं बीए और मतलब बीएससी बीसीए जो भी आप डिग्री करना चाहोगे, तो संजौली कॉलेज में आपकी परसेंटेज की मतलब एक होगा कि 80% या फिर वो मेरिट बनती है. वो डिपेंड करता है कि कितनी मेरिट बन रही है, हर साल चेंज होती है, फिक्स नहीं रहे. और मैं बात करूं संजौली कॉलेज की, तो संजौली कॉलेज में मतलब असाइनमेंट्स और अटेंडेंस को बहुत ज्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है इन चीजों पे. आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी असाइनमेंट प्रॉपर चेकड होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर टाइम पे सबमिट करने पड़ेगी. तो अटेंडेंस का बड़ी दिक्कत रहती है संजौली कॉलेज में. कोटशेरा में जितने मेरे फ्रेंड्स पढ़े, मैंने उनसे भी बात करी है, तो कोटशेरा में इतना अटेंडेंस का रोल नहीं रहता. अगर आप बीएससी कर रहे हो तो रहेगा वहां पर भी, वो तंग करते हैं, कुछ टीचर्स हैं वहां पर जो अटेंडेंस के लिए पूछते हैं. लेकिन बीए में अगर आप जा रहे हो तो बीए के लिए आप मतलब चल रह सकते हो कोटशेरा में. वहीं अगर मैं बात करूँ संजौली कॉलेज की, तो वहां पर क्लासेस बड़ी खतरनाक लगती है. सुबह 10 बजे से लेकर शाम को मतलब शाम तक क्लासेस होती है बीए वालों की. तो ऐसा नहीं है वहाँ पर कि अटेंडेंस का कोई ऐसा इशू है या फिर कुछ ऐसा, वो मतलब वहाँ पर सब कुछ रहता है, आप चिल नहीं कर सकते इतना संजौली कॉलेज में. लेकिन अगर हम कोटशेरा में बात करें तो वहाँ पर जिंदगी थोड़ी सी चिल चलती है अटेंडेंस के केस में. मैं नेक्स्ट बात करूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स से हो, मतलब स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपके लिए कोटशेरा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एक प्रॉपर ग्राउंड मिल जाता है, वहाँ पर मतलब इस तरह की फैसिलिटीज मिलती है, आप खेल सकते हो. लेकिन संजौली कॉलेज में अगर बात करें, तो संजौली कॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कत है ग्राउंड की. एक ही ग्राउंड है जिसमें वो लोग कबड्डी भी खिलाते हैं, उसी में वो लोग बास्केटबॉल भी खिलाते हैं, वही ग्राउंड पार्किंग भी है स्टाफ की. तो मतलब ग्राउंड की बड़ी दिक्कत है संजौली कॉलेज में एज कम्पेयर टू कोटशेरा. कोटशेरा में बहुत खुला ग्राउंड है और मतलब बहुत ही खुला डुला कॉलेज है. संजौली कॉलेज ऐसे ही थोड़ा कंजेस्टेड सा है, मतलब
मतलब वो कॉलेज वाली फीलिंग आती नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कोटशिरा की, कोटशिरा का अगर ऑडिटोरियम की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। फंक्शंस भी, मतलब फंक्शंस की बात करूँ तो संजौली में बहुत होते हैं हमारे, लेकिन ऑडिटोरियम छोटा है थोड़ा एज कम्पेयर टू कोटशिरा। कोटशिरा का बहुत बड़ा है ऑडिटोरियम। एक मेन डिफरेंस बिटवीन कोटशिरा एंड संजौली कॉलेज ये है कि अगर आप कोटशिरा से अगर आप मतलब डिग्री करोगे तो आपके ऐसे कुछ नहीं आएगा, उसमें सिंपल सा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें संजौली की, तो संजौली की जो डिग्री होती है उस पर लिखा हुआ आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो मतलब वो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पट्टा है उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है ग्रेजुएशन वहां से करते हैं संजौली कॉलेज से। तो अगर आप भी चाहते हो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आपको कुछ इस तरह से टैग लगे तो आप जा सकते हो संजौली कॉलेज। अदरवाइज कोटशिरा को भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बेकार कॉलेज है या फिर कुछ ऐसा, कोटशिरा भी बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज है। इनफैक्ट संजौली से कुछ कुछ केसेस में अच्छा ही है वहां पर, मतलब अगर ग्राउंड की मैं बात करूं और बीएससी की अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, साइंस जो वहां पर डिपार्टमेंट है तो बहुत अच्छा बना रखा है। तो मतलब बिल्कुल नई बिल्डिंग्स है तो वहां से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। आप टेंशन फ्री तो रह ही सकते हो कि इतने परसेंटेज आनी चाहिए, जैसे संजौली में क्राइटेरिया की इतनी आनी चाहिए मेरिट बनते हैं, कोटशिरा में वैसी कोई मेरिट बनती नहीं, आपको इजीली एडमिशन भी मिल जाएगी। तो इसलिए आपके लिए कोटशिरा बेस्ट रहता है कि अगर आपके मार्क्स 80% से कम आते हैं तो फिर आप कोटशिरा में मतलब जा सकते हो। अगर आपको उससे ज्यादा आते हैं और आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा एटमोसफेयर मिले जिसमें सारे साथ वाले पढ़ने वाले होंगे, मतलब सारे मतलब पढ़ाई वाला माहौल, तो फिर आप संजौली कॉलेज जा सकते हो। लेकिन बीएससी वालों की हालत बड़ी खराब कर देते हैं संजौली कॉलेज वाले, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस ज्यादा रहती है। बाकी कोटशिरा भी बेस्ट है, आप कोटशिरा को भी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कोटशिरा अच्छा नहीं है। तो अगर आप बीएससी कोटशिरा से कर रहे हो, संजौली से कर रहे हो, दोनों जगह सेम सी है, बस आपको फर्क इतना आएगा कि संजौली की जो डिग्री होगी उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का टैग होगा और कोटशिरा की डिग्री में कोई आपका इस तरह का टैग नहीं। बाकी बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि कोटशिरा का कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं और खून खराब होता है। तो वो चीज़ देखो मैं आपको बहुत पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि कोटशिरा में लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ संजौली कॉलेज में भी होती है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही होती होंगी। संजौली कॉलेज में हम देखते थे रोज की लड़ाई होती थी, तो लड़ाई ऐसा कुछ नहीं, दोनों कॉलेज में लड़ते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप खुद ठीक हो, मतलब ऐसे किसी को तंग नहीं करोगे तो आपको भी कोई तंग नहीं करेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बस वो पार्टी वाले जो होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं तो उनकी लड़ाई वगैरह चलती रहती है। बाकी कोटशिरा में ज्यादा लड़ाई होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों जगह बराबर ही लड़ाई होती है, सिर्फ आप अपनी डिग्री पे ध्यान दो। लास्ट में अगर कंक्लूजन मैं निकालूं तो दोनों ही कॉलेज बेस्ट है आपके लिए। अगर आपके 80% से ज्यादा आते हैं या फिर 80% के जितने आते हैं तो आप संजौली कॉलेज जा सकते हो अपनी ग्रेजुएशन के लिए, और अगर आप कहीं बाहर से हो तो आपको वहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी तो आप संजौली कॉलेज जा सकते हो। अदरवाइज कोटशिरा भी मतलब एक बैड ऑप्शन नहीं होगा, बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, कोटशिरा से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। और अगर आप गर्ल हो तो मतलब फिर तो आपके लिए चार चार कॉलेज है, सेंट बीड्स आपके पास है, वहां की थोड़ी फीस ज्यादा हाई है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है इसलिए। लेकिन अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज कम फीस में तो आपके पास आरकेएमवी भी मिल जाएगा आपको कॉलेज, जहां से आप कर सकते हो। बाकी इसके बाद अभी फॉर्म निकलने वाले हैं जिसमें कॉलेज में अप्लाई आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी मेरे चैनल पर। तो तब तक के लिए आप करना उस वीडियो का भी इंतजार, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे एडमिशन फॉर्म फिल करना है और कैसे आपको एडमिशन मिलेगी कॉलेज में। तो मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.